हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सूजी की खीर। उसके लिए ये चीनी ली है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, दूध और ये सूजी। चले हम बनाते हैं। ये एक पैन लिया है, इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, लाइट पिंक होने तक इसको भूनना है कम गैस पर। चलाते रहें। ये देखिए भुन गई है, ये इस कलर के लाइट पिंक हो जाए बिल्कुल। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये दूध करीब 300 ग्राम के करीब दूध है। इसको मिक्स करते जाना है, दूध डालते जाना, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलाते रहें इसको। अच्छे से मिक्स करिए, कम गैस पर करना है इसको। अब हम इसको 2 से 3 मिनट कम गैस पर पकने देते हैं। देखिए 3 मिनट हो गए हैं, इसको सूजी फूल गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। इसमें मैं 5 छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको चलाते जाएं। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये खदक चुकी है, ये देखिए गैस बंद कर दी है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू बादाम पिस्ता किशमिश जो भी आपको चॉइस, अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दें। इसको मिक्स कर लें और ये रेडी है एकदम खाने के लिए। चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए खीर रेडी है। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं। आप इसको बनाकर देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।